द टीवी एन आर आई देख रहे हो, मैं हाँ सुखबीर सिंह शेरगिल। ईवनिंग बुलेटिन दे विच तुहाडा सारयां दा स्वागत है। रुख कर लैंदे हां चोणवीआं खबरां दा। नवजोत सिंह सिद्धू दरबार साहिब नतमस्तक। मां दे इकलौते सहारे दी नशे दी ओवरडोज नाल होई मौत। कांग्रसियां नूं मिलण लई कैप्टन वी निकलणगे हुण चंडीगढ़ दे विचों। खन्ना विच पेट्रोल पंप उत्ते लुटेरियां वल्लों दित्ता गया लुट खोदी वारदात नूं अंजाम। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवें बने प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अज दरबार साहिब विखे नतमस्तक होए ने। वो नवें प्रधान बनन की खुशी दे विच जाके उन्होंने शुकराना करते हुए दरबार साहब दे विच मत्था टेकिया, जिथे उन्होंने नाल 62 विधायक सी, जिहड़े विधायक कुछ साबका सन ते कुछ मौजूदा विधायक उन्होंने नाल शामिल सन। 62 विधायकों के नाल उन्होंने बस में सफ़र करद्या होया दरबार साहब पहुँचे ने, उत्थे नतमस्तक होए ने। मीडिया नूं संबोधन करद्या होया उन्होंने शुकराना किया दरबार साहब का, परमात्मा का शुकराना करद्या उन्होंने दस्या कि बहुत वड्डा जिहड़ा हाईकमांड वल्लों उन्हां नूं इह मौका दिता गया, जिम्मेवारी दिती गई है, जिसनों वह बाखूबी निभाउणगे। बाकी उस समय दीआं तस्वीरां तुहाडे सारयां दे नाल सांझियां कर लैंदे आ। सर सले तुसीं देख पा रहे हो कि नवजोत सिंह सिद्धू परिक्रमा दे विच पहुँच चुके ने और परिक्रमा शुरू हो चुकी है। श्री दरबार साहब की परिक्रमा की शुरुआत जिहड़ी है आरंभता कर दिती है नवजोत सिंह सिद्धू ते उन्हां दे साथियों वालों। सो असी तुहानूं दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरां श्री दरबार साहब। जी हाँ, सो इस वे परिक्रमा के बहुत बड़ी तादाद संगत भी है, संगत भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं देख रही है, पर उहदे नाल जिहड़ा ज़्यादा हल्ला गुला जिहड़ा हो रहा है। सो किते ना किते मीडिया वालों भी बहुत वड्डा जमावड़ा होण करके, सो जिहड़े समर्थक ने नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां दे नाल मीडिया वालों भी काफ़ी धक्का मुक्की मीडिया की कीती जा रही है, काफ़ी वड्डी धक्का मुक्की जिहड़ी है। सो देखो किवें झगड़ा किया जा रहा, किवें झगड़ा कर रहे जी बिल्कुल जी। और गुरु रामदास जी का दर तो असं देख रहे हैं कि इतने भी धक्के, सो की हाल होएगा आने वाले दिनों देख लो। इतने पहुँचे ने, सो जिस तरीके दे नाल हल्ला गुला हो रहा है ये वाजिब नहीं लग रहा है, और ये जो कुछ हो रहा परिक्रमा दे विच और डिसिप्लिन अनुशासन जैसा होना चाहिए वैसा कुछ है नहीं। सो नवजोत सिंह सिद्धू जड़े ने वो असी देख पा रहे हैं। चलो साइड तो असी देख लवेंगे, इस एंगल तो तुसी थोड़ा जहा देख लो। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू तुहानू दिखाई दे रहे। सो नवजोत सिंह सिद्धू तो अलावा उन्हां दे नाल जो बाकी कांग्रेसी नेतागण ने वो भी सारे तुहानू भारी तादाद भारी गिनती दे विच दिखाई दे रहे।
दूजी खबर का रुख करते हैं। दूजी खबर आ रही है फिरोजपुर तो, जिथे दे एक पिंड चक टाली विखों 25 साल नौजवान की नशे की ओवरडोज करने के नाल मौत हो गई है। दसिया जा रहा है कि इस 25 साल नौजवान वालों अपने टीका लगाया गया सी नशे का, जिसकी ओवरडोज होने कारण उसकी मौके के उत्ते ही मौत हो गई है। सुखचैन सिंह नाम का व्यक्ति जिसकी मौत हुई है, उसके माता पिता वालों दसिया गया कि वह इकलौता सी घर के कमाउण वाला, हुण उन्हां दी मौत होने तो बाद घर के हालात की होणगे उन्हां नूं कुछ भी नहीं पता। दसिया जा रहा है कि जिहड़े इलाके दे लोक ने वो नशा आम तौर दे उत्ते वेचदे ने रोज़ाना, बहुत सारे नौजवान अजिहे नशे नूं करके, नशे की ओवरडोज का करके मौत की बुकल दे विच जा समेटदे ने, मौत की बुकल दे विच जा पहुँचते हैं। दसिया जा रहा है कि जल्दी अमीर होने की चाहत नूं लै के लोग नशा वेचण का कम करते ने, उन्हां वल्लों ये नशा वेचण का काम किया जाता है। तो उत्थे मौजूद लोगों वल्लों सरकार नूं प्रशासन नूं भी इस चीज़ की गुहार लगाई गई है कि जल्द तो जल्द इस नशे की जिहड़ी दलदल है उस दे विच जाण तो नौजवानों नूं बचाया जा सके। बाकी इस बारे वेख लैंदे आ टीवी NRI की रिपोर्ट। पंजाब अंदर नशे का कहर खत्म होने का ना नहीं लै रहा। नित दिहाड़ी नौजवानों दियां मौतां नशे नाल हो रही ने। चढ़ती जवानी च जिथे नौजवान मापियां का सहारा बनते हैं, उत्थे ही इन्हां नौजवानों दियां अर्थियां नूं मापे मोडा दे रहे ने। अजिहा ही एक मामला पिंड चक टाली वाला तो सामने आया है, जिथे 25 साल नौजवान सुखचैन सिंह पुत्र सूबा सिंह ने अपने आप नूं नशे का टीका लगा के अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है। परिवारिक मैंबरां ने दस्सिया कि शाम समय सुखचैन सिंह अपनी माता दे नाल पिंड आया, सवेरे करीब 9 बजे इसने नशे का टीका लगाया, जिस नाल इसकी मौके ते ही मौत हो गई। उन्होंने दस्सिया कि 10 साल पहला इसके पिता की मौत हो गई है, इस तो बिना घर विच कमाई करन वाला होर कोई भी नहीं सी, पर नशे ने इसनू अपनी लपेट दे विच लै लिया। इलाके अंदर नशे का कारोबार वड्डी मात्रा विच वध रहा है। लोग जिथे आप अमीर होने लिए इस कारोबार नू बढ़ावा दे रहे हैं, उत्थे इसका बेरोजगार नौजवान पीढ़ी ते वड्डा असर पै रहा है। इलाका निवासियों ने कहा कि जेकर समय सिर नशे ते कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले समय दे विच हर एक परिवार का मैंबर नशे का शिकार हो सकता है, जिस दे डर तो लोग अपने बच्चियां नू नशे तो बचाउण लई विदेश भेज रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट दिखती VNRI। जिवें जिवें 2022 दीआं चोणां नज़दीक आ रहीआं ने, सारीआं सियासी पार्टियां सरगर्म हो गईआं ने। जिवें हुण नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस दे प्रधान बणे ने नवें पंजाब दे, ते उहनां वल्लों लगातार शक्ति प्रदर्शन किया जांदा है। बीते दिनी वो खटखड़ कलां दे विच गए सी, होर बहुत सारे विधायकां दे नाल उहनां वल्लों मिलिया जा रहा है। इसे दे चलदिआं दूजा धड़ा जिहड़ा कांग्रेस का बनिया होया कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्हां वल्लों भी हुण चंडीगढ़ दे विच्चों निकलण दी रणनीति बना ली गई है। उन्हां वल्लों ऐलान किया गया कि वो रोज़ अपने साथियों के नाल पिंडां दे विच जाया करनगे, हलकियां का दौरा करनगे, बहुत सारे मीटिंगां जिहड़ियां उन्हां वल्लों कीतियां जाया करनगियां, जिस दे चलदिआं 2022 दीआं चोणां दे नतीजे जिहड़े आ उह कांग्रेस दे हक दे विच निरपक्ष तौर ते हो जाण। बाकी इस खबर बारे TV NRI दी वेख लैने आ एक खास रिपोर्ट। पंजाब दी सियासत च आ रहे उतार चढ़ाव नूं वेखदिआं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वी चंडीगढ़ नूं छड्ड के जल्द ही जिलियां दे दौरे शुरू करनगे। सूत्रां अनुसार कैबिनेट विच फेरबदल पिछों अगले पड़ाव विच कैबिनेट दा पुराना रूप देखण नूं मिल सकता है, जिस अधीन उह जिलियां विच जा के विकास प्रोजैक्टां दी शुरुआत करन दे नाल ही विधायकां तों इलावा जमीनी पद्धर नाल जुड़े आम कांग्रेसियां दी रिहायश ते जा के उहनां नाल मुलाकात करनगे। सूबा विधान सभा दीआं पिछलियां आम चोणां तो पहलां भी कैप्टन इसे तरह जिलियां दे दौरे करन दौरान कांग्रेसियां दे घरां विच जाया करदे सन। हुण उह चंडीगढ़ विखे सरकारी बैठकां करिया करनगे अते जिलियां दे दौरिआं दौरान कांग्रेसी आगूआं नूं अहमियत भी देणगे। इस दे नाल ही विधान सभा चोणां तों पहलां रिहर्सल भी हो जाएगी। मुख्यमंत्री नूं कई तरह के सुझाव दिते गए ने। चंडीगढ़ विच तां उहनां विधायकां ते संसद मैंबरां नूं मिलना भी शुरू कर दिता है। अगली खबर आ रही है खन्ना तो, जिथे कुछ व्यक्तियों वालों पेट्रोल पंप के उपर लुट खोह नूं अंजाम दिता गया है। लुट खोह की वारदात की गई है। 3 व्यक्ति रात के 2:15 बजे पेट्रोल पंप से आते ने हथियार दिखा के, उन्होंने वालों जोड़े पेट्रोल पंप के उपर काम करते कर्मचारी ने उन्होंने डराया धमकया जाता है, नकदी खोह ली जाती है, LED उन्होंने वालों लुट ली जाती है, उस तो बाद फरार
हो जाते दसे जाते हैं। नाल दी नाल उत्थे दी पुलिस का कहना है कि इन दोषियों की भाल जारी कर दी गई है, पुलिस वालों नाकाबंदी कर दी गई है ता जो होर अजिहे जिहड़े इन्हां वालों वारदातां कीतियां जाणियां ने उन्हां नूं अंजाम देण दे विच इह सफल ना हो सकण। उत्थों दे पुलिस अधिकारियों ने की किया इस खबर बारे उसते भी चानणा पाउंदे आ तुहाडे नाल। नाल दी नाल पेट्रोल पंप के मालक के नाल भी गलबात हुई है साडे रिपोर्टर विपन भारद्वाज की, वह भी तुहाडे सन्मुख करदे आ। रात नूं 2 बज के 20-25 मिनट ते 3 बंदे आए, उन्होंने साढ़े वर्कर सुते पे सी, उन्होंने उठाल के मारकुट करके उन्होंने तो कैश खोह के लै गए, तो एक कंपनी का मॉडम लगे हुआ सी उन्हें तोड़ के लै गए। किन्ने बजे की वारदात है ये? 2:15-20 मिनट की गल है जी तकरीबन। किन्ना कैश किन्ना लग गया? कैश 25-30 हज़ार रुपये तक कैश थी। ਹੋਰ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੋਡਮ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਸਿਮ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ LED ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ LED ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ? ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਸੀ? ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਤ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੈਂ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ, 3-2 ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਟ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਬਾਹਰ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿਰਪਾਨਾ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕੁਛ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਏ ਮੁੰਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ LED ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟਜ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਇਹ ਕੋਈ 2:15-2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਪੌਣੇ 3 ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ TVNRI ਦੇ ਨਾਲ।